हेलो एंड वेलकम बैक टू मैडी कोको। आज हम बनाएंगे एक और दिवाली स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाने वाला हूँ शंकरपाली। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है, आपको बहुत मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। Let us have a look at what the ingredients are first. तो शंकरपाड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पानी में शुगर मेल्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम धीमी आंच पे गैस रखेंगे। ये मैं डाल रहा हूँ आधा कप पानी, शक्कर। इसका हमें शुगर सिरप नहीं बनाना है, इसका पर्पज है सिर्फ शुगर को मेल्ट करना। और देखो सिरप नहीं है, अब तक पानी ही लग रहा है, तो पानी जैसा कंसिस्टेंसी ही रखना है अपने को हमें। ओके, देखो शुगर पूरा मेल्ट हो गया है, इसे हमें बाउल में निकाल के साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे आटा, इसमें हम शुगर सिरप ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। रवा हम लोग अभी तक नहीं डाले, आप आटे में पानी डालने के पहले भी रवा डाल सकते हो, सो मैं रवा बाद में डाल रहा हूं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ये वापस हम लोग गैस पे रखेंगे, उसमें मैं तेल डालना है। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, सो अब हम इसे अच्छे से नीड करना है। ये अच्छे से नीड हो गया, सो इसे हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। हम इसे भी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। इसे भी इक्वल पोर्शंस में। तो ये हमने डो बना लिया है, हम लोग ये डो फिलहाल साइड में रखेंगे कवर करके। सो आधा घंटा हो गया है, इसे हम खोल देते हैं। सो ये रेडी है शंकरपालिया बनने के लिए। अब इसे भी हमें बिल्कुल वैसे ही बेलना है जैसे हम चक्की का आटा बेलते हैं चपाती बनाते वक्त। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इतना पतला नहीं करना है जितना हम चपाती को करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा ऑन द थिकर साइड ही है। ये देखो। अब इसके हम शंकरपाली काटेंगे। जो आपको शेप इम्परफेक्ट लग रहे हैं उसे वापस एक साथ करो और नेक्स्ट डो के साथ मिक्स कर लो। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नाइफ के हेल्प से भी शंकरपाड़ियाँ काट सकते हो। सो अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे।
हमारे शंकर पाड़ी रेडी है, सो मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ. लेट अस सी. आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू गाइस शुड डेफिनेटली मेक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट. थैंक यू.